अरे रेखा मम्मी पापा आ जाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आ जाओ सब। अरे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, हाँ लाओ सविता। अरे वाह, रेखा तुम नहीं खाओगी? आओ। नहीं, वो थोड़ी तबीयत ना अजीब लग रही है, आप लोग खाइए। अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो जाके आराम करो। ठीक है दीदी। अरे दाल बहुत टेस्टी बनी है, मैं तो और ले रहा हूँ। वैभव से बात करते हैं, चल। मम्मी एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं हम माया भाभी और रोहित भैया के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है श्रेया, आज नहीं तो कल माया को सच स्वीकार करना होगा कि श्री उसकी बेटी नहीं है। ठीक है आओ। वैभव। हाँ मम्मी। हम दोनों को तुझसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना। वो जरूरी बात है बेटा, वो श्री। क्या हो गया मम्मी? पता नहीं अचानक चक्कर आ रहा है। मुझे भी जल्दी आओ, सब लोग बेहोश हो चुके हैं। घर से तो निकलने नहीं देती तेरी दादी, पर मैं भी कहां हार मानने वाली हूं। अब देख तुझे तेरे ही घर से लेके जाऊंगी, फिर कौन बचाएगा तुझे? आज हाथ लगी है ये चिड़िया, आजा। अरे क्या खिलाती है तेरी अम्मा, इतनी सी तो है, कितनी भारी है। आप में दम नहीं है, मैं तो सुबह शाम लटका के जोर की मालिश करती हूँ। बड़ी पहलवान हो रही है, जरा उठा के दिखा। हटो जी, देखो अभी उठाते हैं एक झटके में।
क्या हो गया इसे? रोज तो गोद में उठाती हूँ, आज क्यों नहीं उठ रही? और मैं किस भाषा में बोल रही थी? अचानक वजन कैसे बढ़ गया इसका, और वो भी इतना। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों मिलके उठाते हैं, चलो। अच्छा ठीक है। अरे जल्दी उठा, कोई होश में आ जाए सारे। कहा था ना मैंने, हरी हो गई है, उठ भी नहीं रहे। क्यों खाती है? बड़ा पहलवान बन रही थी, उठा इसे। इतनी भारी कैसे हो गई बच्ची? इतना दम अगर मैं देश के लिए लगाती ना वेट लिफ्टिंग में तो गोल्ड मेडल मिल जाता, पर ये बच्ची नहीं उठ रही। अच्छा क्या जो आपने इन तीनों को बुला लिया, वरना इस बच्ची को उठाते उठाते हम दुनिया से उठ जाते। अरे निकम्मत से भी कहाँ उठ रही है। उठ जा रे बाबा। रोज 50-50 किलो के बोरे उठाते, लेकिन ये बच्ची हमसे नहीं पाएगा। कोई ना, एक बार और कोशिश करते सारे, चलो सब मिलके करते हैं, आ जाओ। दम लगाओ, खींचो इसको। ये कितनी भारी हो गई है, उठ ना। लगता है बेहोशी की दवा का असर खत्म हो रहा है, तुम लोग जल्दी जाओ, उठ से लेके जाओ जल्दी। तुम लोग निकलो फौरन यहां से, निकलो। अरे उसने मेरी उंगली पकड़ ली, क्या रे छुड़वाओ ना। कोई देख लेगा मुझे, मैं मदद नहीं कर सकती। मरवाएगी क्या, कहाँ जा रही है? आज तो गई। लोग यहाँ रोहित, हम लोग यहाँ ऐसे कैसे, क्या क्या हुआ यार? मेरा तो एकदम सर फटा जा रहा है, रात भर हम लोग यही सो, हम लोग बेहोश तो नहीं हो गए कहीं? अरे क्या आप लोग भी बेहोश हुए थे? हाँ तुम सर एकदम भारी सा हो रहा है, पता नहीं क्या कैसे। ये तो चोरों की ट्रिक होती है, पूरे घर वालों को बेहोश करके वो चोरी करते हैं। देखिए कहीं घर पे चोरी तो नहीं हुआ? जीजा जी इस घर में है ही क्या चोरी होने लायक? गॉड श्री ठीक है। अरे तुम भी बेहोश हो गई थी? जो बच्ची हम चार चार लोगों से नहीं उठी, उसे एक झटके में उठा लिया श्रीराम। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम सब यूं बेहोश कैसे? क्योंकि हमारे खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। ये बेहोशी की दवा, ये बोतल तेरे हाथ में कहां से आई श्रेया?
ये तुम्हारे वार्डरोब में क्या कर रही थी? मेरे कबर्ड में ये दवाई, ये तुम्हारे कबर्ड में कैसे आई श्रेया? क्या हो रहा है? ये क्या है? ये प्लेन की टिकट्स? इसमें तो श्रेया का नाम और श्री का नाम लिखा हुआ है। श्रेया, ये क्या है? तुम श्री को लेके कहीं जाने वाली थी क्या? मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या है श्रेया? मेरी बच्ची को लेकर तुम कहाँ भागने वाली थी? ओ, अब समझ आया। हम सबको बेहोश करके ये मैडम मेरी बच्ची को लेकर फोर होने वाली थी, है ना? भाभी, ये क्या बोल रही है आप? ऐसा क्यों करूंगी? तो ये टिकट्स का क्या मतलब हुआ? कोई शौक के लिए करवाता है क्या प्लेन की टिकट्स? श्रेया, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? हमारे पीठ के पीछे तुम ये सब प्लानिंग कर रही थी? वैभव से बात करते चल। मम्मी, एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं हम माया भाभी और रोहित भैया के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, श्रेया ऐसा नहीं कर सकती। क्या मम्मी, किसी की तरफदारी करने की भी हद होती है। ये सबूत आपके सामने है, फिर भी आप नहीं मानेंगी ना? माया, समझने वाली बात है, हम सबके साथ श्रेया भी तो बेहोश हुई थी। हो सकता है कि वो बेहोश होने का नाटक कर रही हो। कल रात किसी वजह से वो श्री को अपने साथ नहीं ले जा सकी हो। माया, ये क्या बोल रही हो? मैं ये नहीं मानता। श्रेया ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये जलती है मुझसे पापा, ये जलती है कि मेरी बच्ची और इसकी नहीं है। जब से श्री पैदा हुई है ना, तब से इस पे नजर गाड़ के रखी है ये। आसपास मंडराती रहती है, मेरी बच्ची मुझसे छीनना चाहती है ये पापा, और इसीलिए ये टिकट्स के साथ श्री को लेकर भागने का प्लान बना रही थी। माया, लाओ तो मुझे मेरी बच्ची। Come on, beta. आप ये ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बस श्रेया, तुम्हारा ये गुड़ी गुड़ी बनने का नाटक ना बंद करो अब। बहुत हो गया, मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली अब। और प्लीज मेरी बच्ची से दूर रहो, तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने दूंगी मैं अपनी बच्ची पर। माया रिलैक्स। श्रेया बोले, क्यों करना चाहती थी ऐसा? बस तुम्हें भी लगता है? श्रेया, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी। मैंने कुछ दिनों से यू भी ऑब्जर्व किया कि तुम बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। इतना ज्यादा लगाव क्यों? मैं बताती हूं। श्रेया को श्री के साथ इतना लगाव क्यों है? कहीं मम्मी वैभव को सच तो नहीं बताने वाली है? मैं बताती हूं। रोहित, 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 क्या हुआ? क्या हुआ रोहित? अरे पता नहीं, अचानक से पेट में दर्द उठा है। मुझे लगता है कि वो जो बेहोशी की दवा थी उसका कुछ साइड इफेक्ट है। वो काम करो, तुम चलो रूम में चलो। चलो चलो, दामाद जी, आप डॉक्टर को फोन करो। जी,
नहीं नहीं जीजा 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 पहले रूम में लेके चलो, अगर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर को फोन करना। से आ सकता है मेरे कमरे में? देखा, तुमने तो कल रात का खाना नहीं खाया था ना, तो फिर बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, मुझे ना बाहर काम है, मैं अभी देख के आती हूँ। रेखा, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। बताओ कल रात को क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। डिसाइड कर लो, या तो तुम मुझे बताओगी या तो पुलिस को। नहीं दीदी, मैं कुछ भी नहीं जानती, जितना मालूम है ना मैं आपको उतना बता देती हूँ। एक घूंघट वाली आई थी और वो श्री को किडनैप करना चाह रही थी। घूंघट वाली? मगर मैंने ना उसकी शक्ल नहीं देखी, पता नहीं कौन थी। बस मैं इतना ही जानती हूँ दीदी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। जाने दूंगी, लेकिन उसके पहले कल रात जो काम अधूरा रह गया था वो तो पूरा कर लो। मतलब? उस घूंघट वाले को श्री चाहिए थी ना, तुम श्री को उस घूंघट वाली के पास लेकर जाओगी। तुम्हें मुझे उस घूंघट वाली तक पहुंचाना होगा। ये क्या कह रही हो दीदी आप? बच्ची घूंघट वाली से आपको मिलवाएगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं पढ़ना ये सब पचड़े में, मुझे जाने दो। ठीक है जाओ, मैं सबको बता दूंगी कि तुमने उस किडनैपर से पैसे लिए थे। खाने में बेहोशी की दवा भी तुमने ही मिलाई थी, और फिर वो प्लेन के टिकट्स और शीशी मेरे कपड़े में तुमने रख दिए थे। नहीं नहीं दीदी, मैंने आपके अलमारी में कुछ भी नहीं रखा था, मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। मैंने तो बस रात के खाने में कुछ मिलाया था, और वो भी मुझे घूंघट वाली ने दिया था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उस शीशे में क्या था। कसम से दीदी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, कसम से। बस मुझसे यही भूल हो गई। भूल? रेखा, एक बच्ची को अपनी माँ से दूर करने जा रही थी तुम। तुम भी तो एक माँ हो ना रेखा, ये सब करने के लिए कैसे राजी हो गई तुम? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उठो बैठो, बैठो। रेखा, मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दे रही हूँ, मदद करो मेरी। श्री को किडनैप करना चाह रही है ना वो घूंघट वाली, और आज तो उसने मेरे ही परिवार को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की। मुझे पता लगाना ही होगा कि वो कौन है, कौन है जो मेरे श्री के पीछे पड़ी है। आप अपने परिवार और उस बच्ची के बारे में इतना सोचती हो, लेकिन उन लोगों ने आपके ऊपर शक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कैसे मान लिया कि आप श्री को लेकर भाग सकती हो? रेखा, ऐसे परिवार में ऊंच नीच चलती रहती है, और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी देखना, उन्हें मुझ पे भरोसा हमेशा रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और कभी छोड़ दिया तो? बहुत बात बनाती हो ना तुम। अब ये बताओ, उस घूंघट वाली को पकड़ेंगे कैसे? कोई एड्रेस या फोन नंबर है तुम्हारे पास? नहीं नहीं दीदी, हमेशा वो ही मुझे फोन घुमाती थी, प्राइवेट नंबर लिखकर आता था। ठीक है, कोई बात नहीं, श्री को किडनैप करने का प्लान तो फेल हो चुका है उसका, वो तुम्हें फिर से जरूर कॉल करेगी, और तब तक तुम यहीं पे रहोगी मेरी आंखों के सामने। ठीक है दीदी, लेकिन आपका प्लान क्या है?
शाम तक हो शुभ लाभ, धन वैभव खूब बरसे, हर पल में हो शुभ लाभ।